धरती धसकेगी। ये लेखक ये कह रहा है, आज जिस बहुमूल्य संस्कृत को हम मान रहे हैं, क्या ऐसी सदा सदा बनी रहेगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परिवर्तित कालों में देखा गया, सम्राटों संतों ने जिस आचार संहिता को लागू किया, उसकी मादकता को स्थान दिया, वह आज लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतने संघर्ष के साथ उसको स्थापित किया था, वह समाप्त हो गई। मध्य युग के मुसलमान रईसों का अनुकरण जो रस रश्मियाँ उमड़ी थी, वह पुष्प की भात उड़ गई, वह वाष्प की भात उड़ गई, अर्थात वह अब इस युग में दिखाई नहीं देता। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यवसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? क्या यह मध्य युग का के कंकाल में लिखा हुआ ये व्यवसाय का युग ऐसा ही बना रहेगा? ऐसा कदाप नहीं हो सकता। ये भी एक समय आएगा कि लोग इसे मुंह मोड़ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। महाकाल के प्रत्येक पदाघात से धरती धसेगी। इस प्रकार जब प्रलय काल आएगा, महाकाल जब गुस्से में आकर अपने पैरों को धरती पर रखेंगे, तो धरती धंस जाएगी। उसके कुंठ नृत्य के प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। लेखक ये कह रहा है, जब महेश्वर अर्थात महाकाल का पद धरती पर गुस्से से पड़ेगा, कुंठ नृत्य करते हुए पड़ेगा, तो यह पृथ्वी धंस जाएगी और उसके साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर एक नया युग आएगा, फिर एक नवीन युग बनेगा और फिर नए सिरे से सब कुछ होगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैराग्यों की पलटन खड़ी की थी। भगवान बुद्ध ने मार विजय अर्थात कामदेव को मार करके विजय प्राप्त करके एक वैराग्यों की पलटन, जो वैराग्यों की पलटन अर्थात जो वैराग्य धारण थे, उनकी पलटन तैयार की थी। अर्थात बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संगम शरणम गच्छाम की स्थापना की थी। वे बैरागी असल में मार मदन की का भी नामांतर है, वही बात हुआ। असल में उनको समाप्त करना मदन देवता को समाप्त करने की बात है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, और न जाने कब अच्छों और ब्रजपाड़ी नामक देवता इस वैराग्य में मदन देवता वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्व के शिरोमणि बन गए। फिर ब्रजयान के अपूर्व धर्म मार्ग पर चलित हुआ, यानी कहने का अर्थ है, यानी जब बुद्ध ने अपना बौद्ध धर्म चलाया था, और उसमें उन्होंने जब बौद्ध धर्म चलाया था तो वैराग्य के अलावा किसी का स्थान नहीं था। लेकिन न जाने उनके न रहने के बाद बौद्ध धर्म में वज्रपाणि नामक देवता वैराग्य धर्म में घुसे और बोधिसत्व के शिरोमणि बन गए। और फिर वह बोधिसत्व के शिरोमणि अर्थात उनका स्थान प्रमुख हो गया, और ब्रजयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हो गया, जिसे हम ब्रजयान शाखा के नाम से जानते हैं। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया, जो उसके त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न है कौन है? अभिधम्म पीठक, सूतक पीठक और विनय पीठक, ये तीन रत्न हैं। इनमें ये कहा जा रहा है कि मदन देवता अर्थात कामदेव ने आसन पा लिया। वह एक अजीब आदि थी, जिसमें बौद्ध बह गए, सब बह गए, शाक्त बह गए। लेखक ये कहना चाह रहा है, वह एक ऐसी आदि थी जिसमें बौद्ध भई बह गए अर्थात बौद्ध अनुयायी भी समाप्त हो गए, सब बह गए अर्थात शिव के उपासक भी समाप्त हो गए, शाक्त बह गए अर्थात शक्ति के उपासक, जो काली दुर्गा और लक्ष्मी के उपासक थी, वो भी उसके साथ बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्प्रणाम योगश्च भोगश्च करस्थ एव सी महिमा प्रतिष्ठित हुई। उसके बाद श्री सुंदरी की साधना करना
और योग करना और भोग करना, ये सब कार्य, इन सब की महिमा प्रतिष्ठापित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सदस्यता दी। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक थे, वे विचार में ऐसी सहायता दी, वे अपने विचार रखे। मैं अचरज से उस योग और भोग के की मिलन लीला को देख रहा हूँ। लेखक ये कह रहा है, जिसको जिस बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक ने अपने देश से लेकर के अन्य कई देशों तक पहुँचाया, उस बौद्ध धर्म का समाप्त हो जाना, हम यानी उस बौद्ध धर्म को समाप्त हो जाना, उसके भोग के मिलन और लीला को मैं इस प्रकार देख रहा हूँ, ये अभी क्या जीवन शक्ति का दुर्मम अभियान था? कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी? अशोक अस्तावक का हर कुल और हर दल इसी विचित्र पंडित की परंपरा ढोए जा रहा है, कैसा झबरा सा गुल्म है। कहने का अर्थ ये है, एक समय ऐसा आता है सब समाप्त हो जाते हैं, सबकी महत्ता समाप्त हो जाती हैं और नए युग का स्थापन होता है और उसमें एक नए वस्त्र का स्थान मिलता है। इस प्रकार देखा जाए तो अशोक के गुच्छों में हर फूल हर दल विचित्र पंडित परंपरा को ढोए जा रहा है, कैसा झबरा सा गुल्म है, कैसा सुंदर अशोक के फूलों का गुच्छा दिखाई दे रहा है। मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है, उसमें आज के 2000 वर्ष पहले का था, कभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी तो नहीं बदला है। यानी लेखक ये कह रहा है, आज हम क्यों उदास हैं, लेखक ये कह रहा है आज हम क्यों उदास हैं, बेकार में ही उदास हैं। अशोक आज भी वैसे ही मौज में है, जिस प्राचीन काल में जैसे अशोक हरा भरा रहता था, उसके अस्ताओं को में फूल लगते थे, उसके गुच्छों में फूल लगते थे, आज भी वैसे लगते हैं, कोई भी तो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी तो नहीं। लेखक ये कह रहा है आज कुछ भी नहीं बदला है, अशोक उसी मौज मस्ती से आज भी 2000 वर्ष पहले जैसा था, आज भी वैसे ही है, वैसे ही फल फूल रहा है, वैसे उसके फूल निकले हैं। बदली है तो मनुष्य की मनोवृत्ति, मनुष्य के सोच, यदि पहले बिना वह बदले बिना वह आगे बढ़ जाता तो शायद नए युग जो व्यवसायिक युग कहा जाता है, मशीनीकरण का युग, तो मशीन का रथ का पहिया जो घर घर चलता है वह विज्ञान का सावेग धावन चल सक निकलता तो बड़ा बुरा होता, तो यह स्थिति आती मनोवृत्त वही रहता तो वह बहुत बुरा होता, हम पिस जाते। यानी कहने का अर्थ है हम उसी पहिए के बीच में फंस कर पिस जाते। पिस जाते अच्छा ही हुआ, जो बदल गई पूरी कहाँ बदली है, पर बदली तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है, अच्छा ही हुआ जो बदल गई पूरी कहाँ बदली, पर बदली है। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित से इसको देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है। यानी जो इस अशोक के फूल जो पहले है उसको पुरानी सोच से जो देखता है अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेज़ी से डूबती है। कहने का तो बोझ जितने ही भारी होगा उतने ही तेज़ी से वह डूबता है, जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। यही बोझ जब जीवन का अंग बन जाती है तो सहज लगने लगती है और तब वह बोझ नहीं लगती, वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक के कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कहाँ